हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के बाद जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज और पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में पहुंचकर प्रदेश के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हाथरस हादसे में घायलों का हालचाल जाना और उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता करते हुए चेक वितरित किए। वहीं प्रदेश के गन्ना मंत्री ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और घटना की जाँच के लिए SIT गठित करने के साथ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरे प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। घायलों से मिले हैं, आर्थिक तौर पर मदद भी की है, इस तरीके से देख रहे घटना। देखिए, घटना की जांच के लिए शासन ने कमेटी बनाई है, PDG जोन आगरा की अध्यक्षता में कमिश्नर, और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी डिक्लेयर कर दिया, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी भी कराई जाएगी। पूरी तरह से जितने भी हमारे घायल हैं उनके उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी हाथरस में उनसे मिले हैं, घायलों से भी, यहाँ मैं भी JNU में, यहाँ दोनों ही हॉस्पिटल में, दीनदयाल में हम लोग मिले हैं। हमारे सारे विधायक, हमारा पूरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, चारों जिलों का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है। चारों जिलों का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। सबके सब पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं। 2-2 लाख रुपए हमने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों को, और 4 लाख रुपए केंद्र सरकार ने मृतकों को, उनके परिजनों को, कुल 6 लाख रुपए की ये राशि उनके आर्थिक रूप से सहायतार्थ दी जाएगी। 50,000 रुपये घायलों को उत्तर प्रदेश सरकार और 50,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। दर्दनाक हादसा है, ऐसे में सरकार इनके साथ खड़ी है, समाज के भी का भी प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ खड़ा है। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। मंत्री जिस तरह से सोच रही है, FIR में बाबा का नाम नहीं, अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बाबा का नाम क्यों FIR? ऐसा है, अब ये तो जिस व्यक्ति ने FIR की है वो ये तो ये वही जाने है कि उसने बाबा के नाम की जब FIR दर्ज हो। भैया ऐसा है ना, हमने हमारे हमारे वरिष्ठ अधिकारी जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब FIR लिखने वाले को हम मजबूर थोड़ी कर सकते हैं कि आप किसका नाम लिखें और किसका ना लिखें। FIR जिसने दी है उन्होंने सेवादारों के और उनके नाम लिखे हैं। सेवादार को पकड़ भी लिया गया है और हमने 3 टीमें लगा दी हैं, SOG हमारी लग गई है। तो ये तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जब जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने 50,000 रुपये का उनको उपचार सरकार की तरफ से सभी का उपचार मुफ्त किया जा रहा है, और महिला को अभी मैंने 50,000 रुपये दिए हैं, और अभी बहुत शीघ्र ही मैं मृतकों के आश्रितों को भी अब 6-6 लाख रुपए के हम चेक बहुत शीघ्र ही 2-1 दिन में देंगे। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।